नमस्कार किसान भाइयों, बिहार के प्रमुख फसलों में मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार के एक बड़े भूभाग में मक्के की खेती की जाती है और किसान भाइयों, मक्का का उत्पादन हम अधिक से अधिक बढ़ा सकें इसके लिए बीजों का चुनाव भी बहुत जरूरी है। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से, जो वरीय वैज्ञानिक हैं ICAR पटना में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मक्का की कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं। किसी भी फसल की उत्पादकता के लिए बीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले ये जरूरी यह है कि बीज जो है सही हो। अगर हमारा बीज सही होगी तो जो 50% कृषि का जो हमारा लक्ष्य होता है वह बीज पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि बीज हमेशा ही सही सोर्स से खरीदें। उस बैग पर भी हमेशा टैग को देख लें, उस पर तिथि अंकित रहती है, कौन सी वैरायटी है, ये सारे को वो चीज़ों को भली भांति देख लें। और मक्का जो है मुख्यतः दो तरह की होती है, एक होता है हाइब्रिड जिसको संकर प्रजाति बोलते हैं, दूसरा कंपोजिट जिसको कि संकुल प्रजाति बोलते हैं। जनरली बिहार में हाइब्रिड प्रजाति की जो मक्के हैं वे ज़्यादा लगाई जाती हैं। इनमें विशिष्ट स्थान रखता है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 और गंगा। एक और हाइब्रिड मक्के की जो नई प्रजाति है वह विवेक 9 और विवेक 17, इसकी भी यहाँ पर इसकी औसत उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो हमारा मक्के की प्रजाति होती है वो है संकुल जिसको कंपोजिट वेराइटी बोलते हैं, इसमें देव की प्रमुख है, लक्ष्मी भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन इस सीजन में आप देवकी की खेती जो है भली भांति कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो कुछ किसान भाइयों ने मक्का लगा लिया होगा और कुछ अभी लगाने की तैयारी में होंगे, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बुआई का सही समय क्या है और क्या विधि है इसको लगाने की। खरीफ मक्का लगाने का सही समय 25 मई से लेकर 15 जून तक माना जाता है, यानी कि ऑनसेट ऑफ द मानसून से पहले, जब मानसून के आने के पहले यदि खेतों में मक्के की बिजाई हो जाती है तो वो मक्का अच्छी उत्पादकता वाली होती है। ऐसे किसान भाई जो है थोड़ा सा लेट तक जा सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर की मात्रा नहीं हो। तो किसान भाइयों, आपको इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेतों में ज्यादा नमी नहीं हो। अगर ज्यादा नमी होगी तो मक्के का जो जर्मिनेशन वो ज्यादा नहीं हो पाएगा और उत्पादन क्षमता भी उसकी कमेगी। और अभी तो बात हो गई कि खेतों में किस तरह मक्का को लगाया जाए और क्या विधि है, लेकिन क्या इसमें तैयारी खेत की किस तरह की जाए। इसकी तैयारी पहले प्लाइंग कर ली जाती है, उसके बाद कल्टीवेटर से दो बार जो है उसको कल्टीवेट करके पाटा लगा लेना चाहिए। जमीन ऐसा खरीफ के सीजन में चुनना चाहिए कि जहाँ पर पानी की मात्रा इकट्ठी नहीं हो। अगर पानी इकट्ठा हो जाता है खेत में तो वो जो है मक्के का प्लांट जो है मर जाएगा। और किसी भी हालत में बारिश चाहिए, लेकिन कभी भी पानी किसी भी हालत में 1-2 घंटे से ज़्यादा खेत में नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए जो बलुई डोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो खेत की तैयारी करने के बाद सबसे पहले जो है इस खरीफ के मौसम में एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर एवं एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी वो ले रहे हैं, कितने दिन की अवधि है। चूंकि खरीफ के सीजन में जो वैरायटी होते हैं करीब करीब 100 दिन के लगभग की वैरायटी होते हैं, तो सबसे उपयुक्त होगा इसको कि इस कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर लगाएं। इसके बाद इसको बिजाई से पहले जब पाटा लगाते हैं उसी समय खाद की मात्रा जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा, पूरा नाइट्रोजन 120 किलो लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि 60 केजी नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पोटास की, जो कि फास्फोरस की मात्रा चाहिए 80 केजी और पोटास की मात्रा 60 केजी चाहिए, वह पाटा लगाने से पहले ही दे दें। और उसके बाद जो बची हुई शेष मात्रा है नाइट्रोजन की वह उसको दो भागों में बांट कर लें,
पहला भाग डालें जब मक्के का पौधा जो है घुटने के आकार का होता है, जिसको नी हाइट बोलते हैं, उस स्टेज में एक डाल दें, और दूसरी मात्रा जो बचा हुआ है यानी 1/4 जो बचा हुआ है वो मात्रा जो है धनवान निकलने से पहले जो है डाल दें। अगर बारिश में लेट हो गई, अगर किसान भाई लगा चुके हैं मक्का और बारिश में बारिश होने में लेट है, तो एक हल्की सिंचाई दी जा सकती है। ये ऐसे खरीफ की सीजन में मक्के को कोई भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई खेत की तैयारी की कि पौध से पौध की कितनी दूरी होनी चाहिए और कतार कितनी दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन क्या बीज दर होनी चाहिए इसके बारे में बताएं, और बीजोपचार किस प्रकार किया जाए ये हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत ही जरूरी है। तो इस मौसम में जो बीज दर होती है वो करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप सीड रेट को यूज कर सकते हैं, और सीड लगाने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि इसका बीजोपचार हो जाना चाहिए। इसके बीजोपचार के लिए थायरम 2 ग्राम और बेबिस्टीन 1 ग्राम यानी टोटल 3 ग्राम लेकर इस पहले जो है थोड़ा सा इसको धूप में सीड को सुखा लीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर इस दवा को उसमें मिलाने के बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए छाया में रख देते हैं, और उसके बाद जो है इसकी खेतों में बिजाई की जाती है। जी बिल्कुल, तो 1 हेक्टेयर में जो आपने बताया अभी दर बीज का, कितनी उससे जनरल एक उत्पादन कितनी हो सकती है? यदि आप हाइब्रिड प्रजाति ले रहे हैं यानी संकर प्रजाति ले रहे हैं तो उससे इस सीजन में आपकी उत्पादकता 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो सकती है, और यदि कंपोजिट ले रहे हैं तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उसकी पैदावार होगी, जिससे किसानों को कमतर 20 से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की कमाई हो सकती है। इसमें रोग का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, कीट का अगर कोई प्रभाव हो तो उसको कैसे उपाय किया जाए उसके लिए? यूं इस जो मक्के में है ज्यादा कीट और इस तरह की बीमारियां नहीं आती हैं, फिर भी अगर कोई जैसे बरसात के दिन में कुछ फंगस का अटैक हो जाता है, रोग वगैरह इस तरह का आता है, तो ये जब इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े कि कोई फंगस का अटैक हो रहा है तो बेविस्टीन या कंपेनियन दवा आता है उसकी 20 ग्राम पाउडर को लेकर उसको 10 लीटर पानी में डालकर उसका एक जो है छिड़काव कर देना चाहिए। यदि ज़्यादा ही प्रकोप नजर आ रहा है तो इस एक्टिविटी को 3 बार जो है उसको रिपीट करना चाहिए 7-7 दिन के अंतराल पर। यदि कीट का प्रकोप हो गया है तो कोई भी कीटनाशी दवा जैसे इंडोसल्फान मोनोक्रोटोफॉस का जो है 12 से 15 ml दवा 10 लीटर पानी में डालकर इसको पौधों पर छिड़काव कर देने से सारे कीट व्याधियों का प्रकोप रुक जाता है। मक्का के उत्पाद